असल वरिवरक़ जजाक सबका वेट करने का हमारी जो um, लाइव है जो आज है हमारा वो है बेसिकली एक uh, बुक पर मुबनी और वो बुक मैंने अभी रिसेंटली पढ़ रही हूँ मैं. मैं साथ, साथ आपके पढ़ ही रही हूँ उस किताब को एंड इट्स कॉल्ड हैंड्स फ्री मामा अगैड टू पुरिंग डाउन द फोन बर्निंग द टू डू लिस्ट एंड लर्निंग गो अ परफेक्शन टू गैस्ट वट रियली मैटर्स ये बुक है और इसकी बेसिकली ट्वेल्व uh, चैप्टर्स हैं लेकिन आई वॉज थिंकिंग आज हम सिर्फ फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा um, क्या कहते हैं हमारी ऑडियंस क्या चाहती है और उसके बाद फिर इनशा आगे चलेंगे ठीक है तो ये किताब लिखी है रिचल मेसी स्टाफर्ड ने अब रिचल मेसी स्टाफर्ड कौन है रिचुल मेसी स्टाफर्ड मेरी और आपकी तरह एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी मॉम है और वो अपने अपनी अपनी लाइफ्स में जैसे कि हम सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम वग़ैरह कर रहे होते हैं वो उसी तरह कुछ काम कर रही थी और वो कहती हैं कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी थी इतनी बिजी थी कि मतलब मेरी मैंने हर चीज़ केजुल पे और एजेंडे पे लिखी हुई थी अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग स्केजल uh, वाले लोग हैं या हर चीज़ जो है वो अपने स्कीजल पर लेकर चलते हैं या आप लोगों ने मार्क किया होता है सारा कुछ uh, लेकिन यूजुअली uh, ये होता है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और अगर आप स्टे एट होम माम भी हैं तो भी uh, हमारी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और हमने अपने बच्चों के साथ इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं उनको यहाँ लेके के जाना वहाँ लेके जाना वहाँ लेके जाना ट्यूशन्स ले ले हो गए स्पोर्ट्स हो गए क्लासेस हो गए एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस हो गए तो यू नेवर हैव द टाइम बेसिकली तो वो कहती हैं कि हैंड्स फ्री एंड हैंड्स फ्री एक रेवोल्यूशन था जो उन्होंने शुरू किया फेसबुक कम्युनिटी से एक्चुअली उन्होंने एक चीज सोची और फिर उसका तहैया किया और चूंकि वो ब्लॉगर हैं राइटर हैं बाय प्रोफेशन तो उन्होंने अपनी फेसबुक कम्युनिटी बनाई मेरे ख्याल से आपको अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ये हैंड्स फ्री मामा वाली जो कम्युनिटी है ये आपको फेसबुक पे मिल जाएगी तो हैंड्स um, फ्री का मतलब ये है कि वैसे तो आम आम जुबान में हाथ फार राइट लेकिन हाथ किस चीज़ से फार हाथ इस चीज़ से फार के आपके हाथ में हर वक्त आपका फ़ोन हो और ये ज़्यादा बेसिकली हमारी जो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ हमारी अटैचमेंट है ये उस हवाले से ये किताब है और उस हवाले से ये इंट्रोडक्शन है वो कहती हैं कि चेंज बिगेंस विद द रेवोल्यूशन विद वि रिकग्नेशन कि किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है क्योंकि उस चीज़ का मेरी जिंदगी पर डायरेक्टली इतना अफेक्ट है कि मुझे वो नुकसान पहुँचा रहा है ठीक तो वो कहती हैं अच्छा वो छोटी छोटी ना लाइनर्स लिखते हैं और वो मुझे बड़े पसंद हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं अच्छा अगर आपको ये अपनी लाइब्रेरी से मिल सकती है या अगर आप खरीद सकते हो तो जरूर खरीदो या ऐसा कर लो कि तीन चार लोग इकट्ठे हो जाएं खरीद लें बुक को और फिर आपस में उसको शेयर कर लें रोटेट कर लें क्योंकि इस बुक की अच्छी बात यह है कि ये बुक कहानियों की तरह लिखी हुई है लाइक यू आर कंटिन्यूअली लिसनिंग टू समीज स्टोरी इस तरह से नहीं है जैसे कि यूजली ज्यादातर बुक्स ड्राई होती हैं आपको रीजन um, देती हैं लॉजिक देती हैं और फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पर चली जाती हैं इसमें इनकी अच्छी बात यह है कि हर चीज उनकी अपनी लाइफ की कहानी से जुड़ी हुई है आई एम बिकमिंग हैंड्स फ्री आई वॉन्ट टू मेक मेमरीज नाट टू डू लिस्ट आई वॉन्ट टू स्कूज माई चाइल्ड आर नाट फ्रेशर ऑफ ओवर कमिटमेंट आई वॉन्ट टू गेट लास्ट इन कॉन्वर्जेशन विद पीपल आई लव Not consumed by a sea of unimportant emails. I want to be overwhelmed by sunsets that give me hope, not be overloaded agendas that steal my joy. I want the noise of my life to be a mixture of laughter and gratitude, not the intrusive buzz of cell phones and text messages. I'm letting go of distraction, disconnection, and perfection to live a happy, लाइफ that सिंपली सो वेरी सिंपली consists ऑफ what मैटर्स the मोस्ट which इज इट्स becoming हैंड फ्री तो वो पहला जो उनका चैप्टर है वो कहता है अवेयरनेस राइट किसी भी चीज को किसी भी रेवोल्यूशन को स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले हमारा जरूरी कदम क्या होता है कि हम इस बात से अवेयर हो जाए इस बात को मान लें कि मसला है और वह अपनी कहानी शुरू ही याद से करती है वो कहती हैं कि तीन कहानियां जो आगे पीछे हुई जिसकी वजह से मैंने रियलाइज किया कि मेरी जिंदगी में मसला है सबसे पहले वो कहती हैं कि आ, मेरी छोटी बेटी थी और वो ना अपना वो किन्ने जा रही थी लेकिन अभी तक ना वो अपना अंगूठा मिस करती थी ठीक है अब, मतलब ये सक करती थी वो अपना अंगूठा और आ, उसको रोज सुबह मैं जल्दी जल्दी मैं अपना मैं अपना फोन चेक कर रही करी हूं, अपनी ईमेल कर ई मेल करी लगी हुई है ये कर रही करी वो कर रही करी और साथ साथ उसके ब्रेड के ऊपर बटर लगा रही हूँ और उसको दे रही हूँ कि फटाफट खा लो फटाफट खा लो तो क्या हुआ कि मैंने जब मैं सारे काम कर रही थी तो वो बैठी हुई थी सोफे पे आराम से बैठी हुई थी ना वो टीवी देख रही थी ना वो कुछ कर रही थी बस बैठी हुई थी तो मैंने ना उसकी तरफ गौर से देखा और जब मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे अचानक से यूं महसूस हुआ कि जैसे वो उदास है पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज जागे वो वो कह रही है ये मैं नहीं कह रही वो कहती हैं रिचो कहती है कि पता नहीं मेरे अंदर क्या चीज जागे कि मेरा दिल के मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के जाके उसके पास बैठ जाऊं और मैं बैठ गई हालांकि ये मेरी आदत में नहीं है मेरी फितरत में नहीं है मेरे पास छत्तीस और काम थे करने वाले लेकिन मुझे एकदम से यूं महसूस हुआ जैसे उसको मेरी इस वक्त जरूरत है तो मैंने जो अपनी ईमेल फोन ब्रेकफास्ट नाश्ता और छत्तीस वो काम शुरू किए हुए थे मैंने छोड़े और मैं गई और मैं सोफे पर जाके उसके पास बैठ गई जब मैं बैठी तो उसने वो मेरी गोद में आ गई और जब वो मेरी गोद में आ गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ पकड़ के चूम लिया वो जो एक लम्हा था जिसमें उसने मेरा हाथ चूमा मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था उन्होंने इस, इस मोमेंट को उन्होंने कैप्चर कर लिया ठीक एक ये मोमेंट हो गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ना उसी वक्त मैंने तहैया कर लिया कि मैं ना जरूर अपने बच्चों को कोई ऐसा टाइम दिया करूंगी वन ऑन वन जिसमें कि मेरे हैंड्स फ्री हों जिसमें कि मेरे हाथ में किसी किस्म का भी काम ना हो वो वक्त मेरा सिर्फ मेरे But हैं कि opportunities to connect to the loved ones become more apparent. My hands free inner voice began to grab me and gently encourage me, saying, Come on, put the phone down, turn off the computer. You are missing your life. I realized that even in the midst of a busy day, there are countless opportunities to pause and connect with the people who matter most. I just had been too distracted. है हम सबकी लाइफ में, सब में ऐसा ही है वो कहती हैं कि आ, हम कहीं जा रहे थे और एज यूजल मैं बच्चों को किसी क्लास पे लेके जाना था लेकिन वहां पे पहुंचे तो पता चला कि क्लास कैंसिल हो गई स्विम क्लास थी वापसी पर हम आ रहे थे तो आ, बारिश हल्की हल्की यूँ महसूस हुआ कि जैसे बारिश होने लगी है धूप छाव वाली बारिश नहीं होती है वैसे एक तरफ धूप निकली होती है लेकिन एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में बारिश हो रही होती है इधर काफ़ी इस तरह से होता है तो वो हो रही थी तो मैंने गाड़ी गराज में पार्क की और मैं ना मैंने देखा कि गराज काफी मैसी था मैं गराज साफ करने लग गई तो मेरी बच्चियाँ जो थी ना उन्होंने मुझसे कहा कि मामा हम बारिश में जाके खेल लें तो मैंने उनसे कहा हाँ जाके खेल लो जब मैं उनको खेलता हुआ देख रही थी मैं सफाई करते करते मैंने उनको खेलते हुए देखा तो मैंने मुझे याद आया कि मैं अपने बच्चों के साथ कभी बारिश में खेली ही नहीं तो मैंने अपनी चीजें वहां पर छोड़ी और मैं उनके साथ बाहर चली गई और मैंने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया वो छवांगे लगा रहे थे जंप कर रहे थे डांस कर रहे थे मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ कहते बच्चे इतने खुश हुए कि माँ सारे काम छोड़ के हमारे साथ आ गई है और फिर थोड़ी देर बाद साथ वालों के दो बच्चे थे तो उन्होंने कहा कि वो देखो वो रेनबो है वो रेनबो है और हम लोगों ने भी देखा तो वाकई में रेनबो निकल आया था और मेरे बच्चों ने यूं हाथ ऐसे किए जैसे कि वो रेनबो को पकड़ लेंगे तो उन्होंने इस चैप्टर का नाम रखा है कैचिंग रेनबोज चैप्टर नहीं थोड़ी सी सब हेडिंग वाला एक डिविजन पार्ट है तो कहती है मैंने उस वक्त अपने बच्चों के साथ वो रेनबो कैच की ठीक पहली पहला इंसिडेंट ये है कि जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी बेटी के पास बैठे और उनकी बेटी ने उनका हाथ चूमा तो उन्होंने तहैया कर लिया कि आई हैव टू बी हैंड फ्री आई हैव टू 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 मेक दिस दिस अ हैबिट सेकंड व्हेन द द चिल्ड्रन प्रिटेंडेड कैच कैच रेनबो रेनबो शी सेड आई एम गोइंग विद माय चिल्ड्रन और थर्ड वाला भी बहुत मजे का है एंड एज अ वुमेन एज अ वाइफ एज अ मदर यू वुड कनेक्ट विद दिस इंसिडेंट वर्ष ही सेज कि मुझे याद पड़ता है कि मेरी शादी नई नई हुई थी और uh, मैं uh, पहले किसी और शहर में होती थी और अब मैं किसी और शहर में आ गई थी और जाहिर सी बात है जब मैं किसी नए शहर में आई थी तो ना मेरे कोई जान पहचान वाला था ना मेरे कोई मतलब मेरे पास नौकरी थी जॉब थी मेरे पास में और मेरा हस्बैंड जॉब कर रहे थे और रोज मेरा मतलब कि ट्रैवल होता था लेकिन चूंकि मैं अपनी फैमिली के बहुत क्लोज थी तो मैं अपने वालदेन को बहुत मिस करती थी अच्छा जब वो ये बात लिख रही हैं तो मैंने सोचा अल्लाह औरत ईस्ट की हो वेस्ट की हो नॉर्थ की हो साउथ की हो मैके की याद एक फितरी अमल है चाहे वो कितनी इंडिपेंडेंट हो चाहे उसका बैंक बैलेंस करोड़ों का हो माँ बाप की गोद माँ बाप की शफकत माँ बाप की मोहब्बत माँ बाप की एक खुशबू होती है जो हर दीन मज़हब आ, रंग नस्ल की औरत को मतलब कि महसूस होती है स्पेशली शादी के बाद टू सेज के आ, मैं बेतहाशा उदास थी और मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से मतलब मैं कर क्या रही हूँ मैं, मैं मैंने अपनी पसंद की शादी की है मैं अपने शोर के साथ खुश हूँ लेकिन ये क्या जिंदगी है कि ना ना माँ है पास ना बाप है पास कहती और उस वक्त जब मैं थी ना तो मैं आ, मैं उस रोड पे वापसी पे घर की तरफ आ रही थी और मैंने महसूस नहीं किया कि मेरे सामने हराइजन था और एकदम से मेरी आँख, मेरी आंखें में आंसू था म्यूजिक कोई लगा हुआ था और मुझे मैं इंतहाई उदास थी लेकिन जब मैंने यू नजर उठा के जरा गौर से देखा तो आसमान इंतहाई खूबसूरत कलर्स डिस्प्ले कर रहा था कितनी वो जो कलर्स थे ना वो जो वो जो एक सनसेट मोमेंट था उसने मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे मुझे अल्लाह की तरफ से कोई सुकून दिया कितनी मैंने उस मोमेंट को अपनी जिंदगी के हर खुशी वाले मोमेंट पे आ, पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया मतलब कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी मोमेंट में खुश होती हूँ तो मुझे वो सनसेट याद आता है जब मैं अपने बच्चों के साथ किसी मोमेंट में खुश होती हूँ तो मुझे वो सनसेट याद आता है तो बेसिकली वो ये कह रही हैं कि शुक्र गुजारी रखो उस, उन्होंने उसको अपना सनसेट मोमेंट बताया लेकिन चूंकि हम इससे जरा डीप और फर्दर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे सनसेट मोमेंट्स नहीं होते हमारे सजदा शुक्र मोमेंट्स होते हैं कि जहां पे हम अपने रफ्त आना का शुक्र अदा करते हैं हम कहते हैं यार अब तेरा शुक्र है जब बच्चे खुश होते हैं मामा देखे ये वो क्या और आप उस मोमेंट में प्रेजेंट है आपके दिल में एक शुक्र आता है जब आपके हस्बैंड के साथ आपकी कोई अच्छी बात होती है या कोई मुस्कुरा के या कोई हंसी मजाक की बात होती है जब आप वो सुकून इतमान महसूस करते हैं तो आपके शुक्र मोमेंट्स होते हैं तो वैसे तो हमें सुनना को रिवाइव करना चाहिए और सुनना यह है कि सजदा शुक्र करना चाहिए अब सजदा शुक्र के लिए लोग कहते हैं कि आगे उसके लिए वजू ज़रूरी है क्या उसके लिए पाक होना ज़रूरी है क्या उसके लिए ये ज़रूरी है सजदा शुक्र है अपने रब के आगे सजदा है हम अपने रब के बंदे हैं अपने रब के मतलब कि हमारा काम ही क्या है रब की इबादत के अलावा तो उस मोमेंट में सजदा शुक्र कर लेना अच्छा लोग गए कि अच्छा अगर मैं बाहर हूं अगर मैं सड़क पर हूं तो एटलीस्ट दिल में इमेजिन कर लो कि शुक्र कर लिया लेकिन आई टेल यू कि किसी भी बड़े गुरु की किसी भी राइटर की किसी भी स्पीकर की अगर आप कोई भी किताब कभी भी उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो आ, सीक्रेट है ना वो शुक्र है फिर वो कहते हैं Every now and and then, I experience reminders. Moments when my child suddenly looks grown up and says profound. Pay attention, this won't last forever. उनका पूरी बुक में उनका रुझान इसी बात पर है कि बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं खुदाना जो काम आपको लगता है कि important है जैसे कि हांडी चढ़ाना उस वक्त इंतहा important लग रहा होता है या वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाल के नचोड़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होता तो है और इम्पॉर्टेंट होता भी है अगर किसी कोई हेल्प नहीं है आपके पास तो वो काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन दो मिनट लगते हैं उस बच्चे की बात सुनने में और उस बच्चे को सेटिस्फाई करने में तो इस बात पे उनका ज्यादा जोर है आई नीड टू रिमाइंड कंप्लेन लेस बहुत अच्छी बात है चेरिश मोर लेट गो टू यस ऑफन

Allah subhanahu wa ta'ala in the center. Her bath and Because the day will come sooner than I think when I stand inside her bedroom closet and I'll be able to see the floor. There will be no brightly colored clothes haphazardly hung from the hangers along with the narrow walls, no dirty clothes, the mist the mark of hamper and I will place my hand on all that is left, and when I do, I will be so grateful that I hugged her that day rather than scolding her for writing her name on the wall because in the end, a moment of aspiration will be just as much as a gift as a moment, so I tend to keep reminding myself. अच्छा बुक में रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस भी हैं चूंकि मैं मेन पेज से ऑनलाइन नहीं आई हूँ तो आ, मसला थोड़ा सा ये है कि मुझे ना किसी किस्म के कमेंट्स नहीं नजर आ रहे मुझे कुछ भी नहीं स्क्रीन पे इस पर नजर आ रहा है सिवाए ये कि मैं लाइव हूँ तो आई वुड हैव रियली लव कि रिफ्लेक्शन क्वेश्चन पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते थोड़ा सा um, मेरा और आपका जो है ना वो एक्सचेंज uh, हो रहा था सोच का लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम बिकॉज दिस बुक हैजुअल चैप्टर्स मैं हमारी एडमिन से बात करूंगी कि इनशा आई वु कम्पलीट दिस बुक मे बी सिक्स वट डी यू कंसिडर अल्यूबल यूज ऑफ यम उन्होंने कहा कि ये बातें लिखें वट डू यू लिख लें What do you consider a valuable use of your time? Does your daily agenda reflect this? Uh, have your distractions taken an undeserved position on your priority list? What parts of life do you not want to miss? What are you going to do to ensure that you are grasping the moments that matter today so that you don't live with regret tomorrow? Basically, I think that's a good thing. क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चीज जो है वो अनइम्पॉर्टेंट है जिसने आपकी लाइफ का बेषतर हिस्से को मतलब कंज्यूम कर लिया हुआ है खैर <laughs> मुझे ये कमेंट जरूर मिल गया जैर फातिमा थैंक यू सो मच अच्छा चैप्टर नंबर टू मेक पर्पसफुल कनेक्शन कनेक्टेडनेस पहले उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा इस बात से अवेयर हो जाओ ठीक है अवेयर हो जाओगे मसला है वो अवेयर हो गई अवेयर हो गई अब उन्होंने कहा कनेक्ट हो जाओ अब किस चीज से कनेक्ट हो जाओ फिर वो वही वाली बात करते हैं कि जब मेरी बेटी ने मेरा हाथ छूआ तो वो एक पावरफुल इमप्रिंट छोड़ गया मेरे अंदर ठीक है और उसके बाद वो आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि मैंने ना जब ये तहया किया कि मैंने फोन से अपनी जान छुड़ानी है अच्छा बाद में वो ये भी कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पूरी तरह से फोन से जान छुड़ा ली क्योंकि उन्होंने फोन से जान छुड़ा ली होती है और ईमेल से जान छुड़ा लिया होता है तो वो ये इतनी अच्छी किताब ना लिख रही होती शी इज अ राइटर बाय प्रोफेशन वो ब्लॉग लिखती हैं अभी भी लिखती हैं मेरे ख्याल से और अ, उनके बच्चों को पता था कि हमारी माँ राइटर है और हमारी माँ हर वक्त लिख रही होती है और डेडलाइंस होती हैं और ये और वो ठीक है तो वो कहती है कि लेकिन जब मैंने ये तहैया किया ना कि मैंने फोन से अननेसेसरी ईमेल चेक करने से अननेसेसरी अपना सोशल मीडिया पे रहने से मैंने अपने आप को कम तो करना है तो मैंने ना अपने बच्चों को बताया नहीं मैंने अपने शोहर को भी नहीं एक्चुअली बताया लेकिन मैंने इंटेंशनली अपने आप को पांच मिनट की दस मिनट की ब्रेक देनी शुरू कर दी जब उन्होंने अपने आप को ब्रेक देनी शुरू कर दी तो उनको नजर आने लगा कि उनके पास तो बहुत टाइम है अपने आप को देने के लिए अपने बच्चों को देने के लिए अपने बच्चों के साथ हंसी मजाक करने के लिए तो उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने ना मैं अपने शोहर से जब बात करती हूँ तो अक्सर मैं अपने शोहर को लेटर्स लिखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लिख के अपनी बात ज्यादा बेहतर बता सकती हूँ तो कहती है जब मैंने ना अपने शोर को कुछ दिनों के बाद बताया कि तुम्हें पता है मैं ये कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ टाइम बहुत कर रही हूं तो तुम्हारी क्या राय है तो उसने मेरा लेटर पढ़ने के बाद मुझे मुझसे बात की उसने कहा अच्छा मैंने नहीं नोटिस किया लेकिन चलो ये तो बहुत अच्छी बात है फिर कुछ दिनों के बाद वो बच्चों के साथ कहीं बच्चों को लेके म्यूजियम गया और वापसी पे कहती कि जैसे वापसी पे बच्चों के साथ घर में एंटर हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे कुछ बताना चाह रहा है और उसने मुझे बताया कि तुम्हें पता है आ, रिचल मैंने भी वही किया किया जो तुमने किया। मैंने अपना फोन अंदर रख लिया जेब में रख लिया बल्कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया और म्यूजियम में सारा वक्त मैं बच्चों के साथ हाजिर रहा प्रेजेंट रहा मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा जो बच्चे घूम रहे हैं बच्चे आगे आगे हैं और पेरेंट्स पीछे फोन पे टक 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 लगे हुए हैं राइट अब जरूरी नहीं कि सारे पेरेंट्स शुगल में हैं, कि मजाक में हैं, वो काम ही कर रहे हो सकते हैं क्योंकि रेचल ने ये नहीं कहा एक दफा भी उसने अपनी किताब में ये नहीं कहा कि मैं अननेसेसरीली फोन पे थी उसने कहा कि मैं काम के सिलसिले में इतना बिजी थी और मुझे फोन की जो बेल्स होती हैं क्लिंग टिंग रिंग ईमेल <laughs> आ गई है मैसेज का जवाब देना है कि मैं उस चीज को मैंने अपनी प्रायोरिटी बना लिया था यही हाल बाकी हम सबका भी है तो वो कहती है कि मेरे शोहर को ये बहुत अच्छा लगा और उसके अलावा हम दोनों ने फिर मतलब के अपने आप को इंटेंशनली जो है ना वो फ्री करना शुरू कर दिया अच्छा फिर उन्होंने एक छोटे से किसी और की एग्जांपल दी है चूँकि मैंने आपको बताया शुरू में कि एक फेसबुक कम्युनिटी थी तो वो ना साथ साथ लोगों की एग्जांपल्स भी दे रहे थे क्योंकि लोग उनसे बात करते थे तो कहती हैं कि एक एक माँ ने मुझे ईमेल किया और उसने मुझे कहा कि मेरा बेटा जो था ना वो स्कूल में बुल हो रहा था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होता था लेकिन चूंकि मुझे आपके साथ कम्युनिटी ज्वाइन किए हुए कुछ ऐसा हो गया हुआ है तो मैंने भी वो हैंड्स फ्री अपने फ़ोन से निकल के बाहर अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया हुआ था इंटेंशनली अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया हुआ था तो हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए और मेरे बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि उसके साथ वाले टेबल पे एक पेरेंट था जो कि मुसलसल अपने फ़ोन पे था और बच्चा जो था वो उदास था जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो मेरे बच्चे ने मुझे गले लगाया उसने मुझे कहा कि माँ थैंक यू सो मच आप दूसरी माओ की तरह नहीं है आपने सारा टाइम मुझे दिया मुझसे बातें की आई लव यू कहती है उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि मुझे पता नहीं दुनिया की कितनी बड़ी खुशी मिल गई है तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस रिचल जो है ना अपने ऑडियंस के साथ शेयर करती रहती हैं जो उनके फेसबुक ग्रुप के लोगों ने उनके साथ शेयर किए थे अच्छा अब वो आजकल की सोसाइटी uh, की बात करें वो हर चैप्टर में ना अपनी इंटेंशन और फिर इंटेंशन का रिजल्ट लिखती हैं तो वो कहती हैं कि स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन सो व्हाट इफ वी सिट साइड बाय साइड ऑन द काउच एवरी नाइट यूजिंग आवर इंडिविजुअल हैंड हेल्प डिवाइस एंड लैपटॉप्स So what if we check our smartphones at the dinner table in the car or while on a while together outside what's the big deal we have the rest of our lives to spend together ye hamari mentality ho jati hai na ki saath hi to hain saath hi to baithe hain saath baithe to hain lekin saath hum present nahi hain hum spouse ke sath present nahi hain hum acha hum ye mere complain husband at least um jahan tak ताल्लुक पाला पढ़ा है हमारी ख़वात से उनका ये ज्यादा अलमिया होता है लेकिन अब मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के एडमिन की वजह से औरतें भी मैंने चाहे वो काम कर रही हैं बिजनेस संभाल रही हैं स्पेशली जो एंट्रप्रीन्योर औरतें हैं मतलब कि जैसे कि हमारी माशा ग्रुप एडमिन है ठीक है या जैसे कि मैं हूँ या जैसे कि आप में से कुछ होंगी जो अपने फेसबुक ग्रुप्स चला रही हैं या अपने साइड बिजनेसेस चला रही हैं अब आप अपना बिजनेस भी चला रही हैं अपना घर भी चला रहे हैं और आप शायद बच्चों को होम स्कूलिंग भी करा रहे हैं सो यू आर कॉन्सटेंटली बिजी आई रिमेंबर दैट आई हैव स्टार्टेड सेइंग दिस टू माय चिल्ड्रन एंड माय चिल्ड्रन आर प्रीटी अपसेट विद दिस इसमें कोई मुजायक नहीं जो गलती है वो है हम इंसान हैं गलतियों से ही सीखते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ये फोन जो है ना ये मैं मजाक में नहीं मैंने पकड़ा हुआ ये मेरा ऑफिस है मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ लेकिन मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि ऑफिस का काम जो है ना ये हावी कर लिया है अपने ऊपर और ऐसा नहीं होना चाहिए है. वो कहती हैं कि मैंने ना कुछ तरीके अपनाए स्पेशली ड्राइविंग करते वक्त अब चूंकि ये आ, आ, अमेरिका में रहती हैं और अमेरिका में मतलब हर ड्राइविंग बहुत प्रॉब्लट है मतलब अगर आपने यहाँ से ग्रोसरी स्टोर पे भी, भी जाना है तो वो इतना दूर जरूर होगा कि आप पैदल नहीं जा सकते आपको ड्राइविंग से ही जाना पड़ेगा मैं सबर्ब्स की बात कर रही हूँ मैं सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ तो वो कहती हैं कि स्टोरी टेलिंग करो अपने बच्चों के साथ कॉन्वर्जेशंस करो बातें वगैरह करते रहो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछो अच्छा ये बात उनकी मुझे पसंद है कि एक तो दिन आपका दिन कैसे गुजरा आप कैसे हो आपको कलर कौन सा पसंद है आपको ये तो आपको वो या बच्चे खुद ही अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं तो वो एक अलग बात है लेकिन कहती है जब आप उनसे कन्वर्स कर रहे हो तो आप उससे पूछो If you were an adult and didn't have to go to school today, how would you spend your day? If you could live anywhere, where would you want to live and why? What are, was the best dream that you've ever had? If you had three wishes, if you saw a homeless person, what mm -hmm. hypothetical scenes are so in addition, share your memory and then, okay, then <coughs> कि मुझे पता है कि मैं सिर्फ मैसेंजर हूँ आई एम सिंपली द मैसेंजर ऑफ दिस फ्री जर्नी एंड इट इज बाय द ऑफ गॉड एंड फोर गर्ल्स उनकी गाड़ी में मतलब दो उनकी अपनी बच्चियां थी और दो शायद उनकी दोस्त सहेलियां थी कि आई हैव हैव आई दिस मैसेज टू गिव है मतलब कि जब आप गाड़ी स्पेशली चला के कहीं जा रहे होते हैं तो आप उस वक्त गाड़ी में टीवी या कार्टून ना लगाएं बच्चे मुसलसल कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हुए जाए टर्न ऑफ योर फोन चेंज योर वॉइस मेल टू ग्रीटिंग पुट योर फोन असाइड वैसे भी मेरे ख्याल से इलीगल है ड्राइविंग करते हुए फोन पे होना <laughs> लेकिन आ, वो ये बात करती हैं आखिर में आ, उनकी एक रिफ्लेक्शन है वो ये कहती हैं अच्छा उनकी बेटी अब बेसिकली ना उनकी बेटी किसी फंक्शन पे जा रही होती है और वहाँ परफॉर्म पर पर करती है तो वो कहती हैं कि मैं उस उस वक्त मैं जब उसे देख रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कितने सारे अपने मोमेंट्स गंवा दिए लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं कितने सारे मोमेंट्स उसके साथ अब और गुजार सकती हूँ फिर रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है इज़ देर अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप दैट सफर इज़ मोर देन अदर्स एज ए रिजल्ट ऑफ योर डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में कोई ऐसी जो भी हमने डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर ली हुई हैं कौन सा हमारा रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है What might be the long term impact on this relationship if you do not curb your distracted ways? So, what anxieties or concerns do you have about letting go of your distractions? And what are some of the positive results that you have experienced when choosing to? कनेक्शन ओवर डिस्ट्रैक्शन अच्छा मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्टोरी uh, शेयर करना चाहूंगी कि आज से तकरीबन डेढ़ दो साल पहले uh, मेरी लाइफ में कुछ ऐसे वाकयात और हादसा हुए कि जिसकी वजह से मुझे सोशल मीडिया से टोटली कट ऑफ करना पड़ा उससे पहले मैं 10 साल से मुसलसल ऑनलाइन uh, थी लेकिन um, जैसे कि आम लोग होते हैं मतलब कोई मेरा पेज वगैरह सच कुछ भी नहीं था जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉमन फोक जस्ट ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स को लाइक कर लिया फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को लाइक कर लिया कोई अच्छी पोस्ट शेयर कर ली लेकिन इट वॉज इट वॉज वेरी मच लाइक आई आई यूज टू डू ऑफ सोशल मीडिया स्टफ अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजें कहां घूम रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कहाँ खा रहे हैं कहाँ पी रहे हैं ये सारी चीजें शेयर करना एंड देन सडनली समथिंग हिट मी एंड हिट मी रियली हार्ड एंड आई गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अबाउट वन एंड हाफ ईयर ऑलमोस्ट टू ईयर्स के अला उस डेढ़ साल में आपको पता मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या थी अब मैं बिजनेस वूमन नहीं थी उस वक्त ना ही आ, मैं मेरा कोई करियर था सोशल मीडिया पे ना ही बस एक फोन ही था ना जो एक शौक था राइट एक शौक पाला हुआ था जो एक डिस्ट्रैक्शन पाली हुई थी मैंने ये महसूस किया कि किसी ने मुझे मिस नहीं किया मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो कि मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स भी थे उनमें से अक्सरीत मेरे लाइफ रियल लाइफ फ्रेंड्स भी थे लेकिन दूर दूर अपने अपने मुल्कों में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रहते हैं किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया किसी ने मुझे व्हाट्सएप नहीं किया किसी ने मुझे ई नहीं किया किसी ने मुझे टेक्स्ट तक करके नहीं पूछा कि तुम इतने अरसे से हो कहाँ कहाँ गायब हो ये पहला एहसास था जो मुझे बड़ी जोर से धचका तो एक तो जो लाइफ ने धचका दिया हुआ था वो अपनी जगह एक था एक अपना एक मैंने एक इमोशनल जर्नी मेरी चल रही थी लेकिन दिस वाज अनदर रियलाइजेशन नो बरी केयर्स इट्स नॉट द नो बड़ी खेय नो टू केयर मैं आज हूं अगर मैं किसी भी वजह से कल ना हो सोशल मीडिया पे तो आप में से कितने लोग हैं जो रीच आउट करके पूछेंगे आप लोग इतने सारे लोगों को फॉलो करते हैं किसको रीच आउट करके पूछेंगे कि बीबी कहां चली गई हो शायद कोई एक बात हिम्मत हौसला कर ले दो तीन सर्च करके देख लेंगे और तीन चार सोचेंगे इस बारे में लेकिन करेंगे कुछ नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं आप नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही ये डिसलॉयल्टी नहीं है Ye just the variety of people here that we can stay connected with. Our relevance online na hone ke barabar hai. It does not matter if you follow it. It does not matter kitne log page subscribe. Karte if you are not today, if you are not tomorrow, if you don't show up, it's okay. It's completely okay. But you know what, what's going to matter? What's going to matter is that if you do not show up as a mother, if you do not show up as a wife, if you do not show up as a daughter, if you do not show up as as anything that in your physical real life has a reality to your relationships, it's going to matter. It's absolutely going to matter. So what asked question? I asked question, what might be the long-term impact on... ऑफ ऑन दिस रिलेशनशिप इफ यू डिड नॉट कर्ब योर डिस्ट्रैक्टेड वे इज मेरा लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप कर्ब मतलब क्या मतलब दरारें जिसको कहते हैं ना पड़ जाना नोट करें कि क्या चीज ज्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या हमारा डिस्ट्रैक्ट होना इतना इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ लॉन्ग दरार पड़ जाए हमारे रिलेशनशिप्स में Next, choose what matters. Deliberateness. 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 They talk about this. At least three times every day. Take a moment and ask yourself what is really important. Have the wisdom and courage to build your life around your answer. We don't have to think three times a day, we do it five times a day. We have our salah.

कमाल नहीं हर चीज एक टेस्ट है आसाइश मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा टेस्ट है उसकी वजह यह है कि उसमें हम भूल जाते हैं हम समझते हैं कि यह तो मेरा राइट था यह तो मेरा हक था डिलिबरेटनेस के टॉपिक पे यह बात करना जरूरी था क्योंकि हम एज ह्यूमन बीइंग्स हक जताने वाली चीजें हैं हम हर चीज पे अपना हक जताने लग जाते हैं हर रिश्ते पे अपना हक जताने लग जाते हैं आपने नोटिस किया होगा आप किसी स्ट्रेंजर से भी तीन दफा मुस्कुरा के बात करो तो चौथी दफा जब आपसे बात करेगी या करेगा तो वो ऐसे ही करेगा जैसे उसका हक है राइट तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो दिल से आपसे मोहब्बत प्यार हो गया आप तो हमारे अपने हो गए इसलिए हमने आपसे ऐसे बात की लेकिन एक्चुअल बात यही है कि इंसान की फितरत में हर चीज को काबू करना है ये 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 मेरा, ये मेरा, ये मेरा, हर रिश्ता मेरा, 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 मेरा right? तो, uh, वो कहती है इट टर्न्ड आउट टू बी मच सिंपलर फिर वो कहती हैं कि आई चूज यू उन्होंने अपने हर रिश्ते को जहन में रखा और उन्होंने कहा आई चूज यू अगर मेरे इस रिश्ते को मेरी इस वक्त जरूरत है और मेरा ये काम है तो पहले मैंने इस रिश्ते को चूज किया उसके बाद मैंने अपना काम कंप्लीट किया मजे की बात ये है कि उन्होंने काम अपना कोई नहीं छोड़ा वो कि ये किताब भी लिख रही है उन्होंने कहा अच्छा शुरू में उन्होंने कहा कि मैंने ये किताब एक साल के अंदर लिखी एक साल के अंदर उन्होंने ये किताब लिखी हर महीने उन्होंने एक चैप्टर दिया बारह चैप्टर है ना तो हर महीने में उन्होंने एक चैप्टर को फोकस दिया कितनी मजे की कितनी डूएबल बात है जब हम सोचते हैं किताब लिखनी किताब लिखनी है तब कितना लंबा अरसा लगेगा लेकिन इन्होंने इंटेंशनली और डिलिब्रेटली अपनी जिंदगी के चंद लम्हों को हर महीने में इस किताब को दिया और उसके अलावा बाकी सारा टाइम अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट्स uh, दी मतलब अपने बच्चे अपने घर अपने रिश्तेदार अहलोयाल बड़े मजे की बात है ऐसी कोई भी बात नहीं की जो आउट ऑफ द वे जाकर वो जो हम ना करती हूँ चूंकि हम लोग uh, uh, की वजह से वैसे ही बच्चे हमारे साथ काफी महीनों से थे तो ये बात तो हम सब तय है मेरा ख्याल है एटी परसेंट या नाइनटी परसेंट तो ये होगा कि अब तो हमारे बच्चों को हमारे साथ घर के काम करने की आदत हो गई हो गई। लेकिन हर मोमेंट को एक शुक्र का मोमेंट बना के अगर हम कोई काम करें तो वो आसान हो जाता है वो कहती है इनवाइट योर चिल्ड्रन छोटे भी बच्चे हो किंडरगार्टन गार्डन के भी हो मेरे ख्याल से वैसे छोटे बच्चे काम घर के काम करने में ज्यादा मदद देते हैं निस्बतन बड़े बच्चों के जैसे जैसे जवान होते जाते हैं सुस्ती और अकड़ और ईगो और नफ्सा हावी हो जाता है मेरे जवान हो गए बच्चे इसलिए मुझे पता है इस बात का छोटे जब वो होते हैं तो वो ज्यादा बल्कि मजे के होते हैं ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो so, वो कहती हैं डस्टिंग पुटिंग द टॉयज अवे प्रिपेयरिंग डिनर सरिंग द टेबल क्लीनिंग विंडोज वॉकिंग एंड बेदिंग द फैमिली पेट फोल्डिंग लॉन्ड्री इस तरह के मंडेन काम्स जो हैं जो माएं रोज करती हैं और थक जाती हैं या उनका दिल होता है कि यार क्या वही रूटीन वही रूटीन वही रूटीन उन, उन चीजों को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएं अपने बच्चों को सिखाएं भी और उनको आ, फिर वो कहती है uh, uh, उन्होंने एक बात दरम्यान में ये भी बहुत अच्छी की है कि अगर आपको कभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट पे जाना पड़ जाए या आपको कभी किसी ऐसी अपॉइंटमेंट पर जाना पड़ जाए या कैसी आप इसी जगह पे स्टक हो जाएं जहां पे आपको पता हो कि आपको किसी का इंतजार करना लंबी लाइन है तो यूजअली हमारे पास फोन होता है हम क्या करते हैं हम अपने फोन पे बिजी हो जाते हैं अगर हम हैंड्री रेवोल्यूशन को अपना रहे हैं और अपने अंदर वो चेंज ला रहे हैं वो रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि हमें कोई रोक नहीं है कि हम अपना फ़ोन पकड़ सकें लेकिन हम इंटेंशनली अपने फोन को नहीं पकड़ेंगे बल्कि बच्चों के साथ बातें करेंगे क्रियान्स के साथ खेलेंगे कोई कहानी लेंगे कोई स्टोरी बुक पढ़ लेंगे उनकी कोई बात सुन लेंगे कोई छोटी सी पजल या गेम उनके साथ खेल लेंगे टिक टाक तो ही खेल लेंगे ठीक है अपने पर्स में कोई ऐसी चीज रखें तो वो बेसिकली आप इंटेंशनली डिलिबरेटली चूज कर रहे हैं किसको अपने बच्चों को अपने शोहर को अपने घर वालों को निस्बतान अपने फोन के अच्छा ये एक छोटी सी पोम है अगर आप इजाजत दें तो मैं ये पढ़ लू थोड़ी सी लंबा पता नहीं आई डों पैटर्न उनके रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस हैं कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस ये हैं When you are in a situation where you have to wait, stoplight, restaurant, or a sporting event, do you reach out for your device? What factors might you consider before looking at the phone to help? You choose the human connection instead. What small moments in the daily routine are you using to engage in human connection instead of digital distraction? Yes. और uh, फिर एक आखिरी क्वेश्चन रिफ्लेक्ट ऑन अ टाइम इन द पास्ट वीक वेन यू चोज टू लेट गो ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन एंड ग्रास्ट द मैटर द मोमेंट दैट मैटर बेसिकली अपना uh, वो करें रहे हैं मुहासबा के मैंने कहालिबरटली कॉन्शियसली इंटेंशनली और हमारा दिन कितना खूबसूरत है वो ऑलरेडी इंटेंशन की बात करता है कि हर अमल का दारो मदार आपकी इन नीयत पर है तो नियत तो रखना शुरू करें और फिर इंटेंशनली डिलिब्रेटली वो एक्शन करनी शुरू करें और राइट डाउन करें अच्छा कोई भी चीज़ जो है ना वो ज्यादा देर पा या अमल में इस तब रहती है जब ना आप उसको लिखें क्योंकि जब हम वो लिख रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों के बाद जब हम वापस जाके उस चीज को देखते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि हम में वाकई में चेंज आया है कि नहीं आया है या उस वक्त मेरी सोच ये थी मजा मजा आता है डिलिबरेटनेस पे कहती हैं you chose me it used to be what you greeted first thing in the morning now you greet me so she's talking as if uh, her child is speaking to her okay i will let i will just free flow talk so that you can you can take your own interpretation i will start again deliberateness you chose me it used to be what you greeted first thing in the morning now you greet me you said good morning and how did you sleep your hands no longer clinging to the device are available to hug me, help me pour my cereal and ruffle my hair. Thank you for greeting me. It used to be what you checked before bedtime, now you check me. You make sure the covers are snug, the pages are turned and the monsters are shooed away. Your voice and your presence no longer given to someone on a screen remains on my skin as I drift off to sleep. Thank you for checking on me. It used to be that you talked for hours on end. Now you talk to me. You ask me about my dreams, my drawings, my latest jokes and darkest fears. With your eyes, you listen, really listen. No longer summoned by the beeps and rings. Thank you for talking to me. It used to be that you held in your hand as you traveled room to room. Now you hold me. You hold me in your gaze, wrap me in your arms, and take my hand in yours. Your hands are free, often leaving the device behind to cover me with love. Thank you for holding me. Chapter number four. I hope that I have questions the chapter. I hope that you have noted those questions. It is important because if you are going to complete this book i would highly suggest that we do write those questions okay uh recognize the gift of today presentness pehle unhone kaha awareness phir unhone kya ka? connectedness phir unhone kya ka? deliberateness phir unhone kya kaha presentness aam zubaan mein aap bologe sahi ek hi to hai lekin ek nahi hai explain nahi karoge mujhe pata hai mashallah smart are. okay

उसकी तोबा मफ़रत मांग लो जो आने वाला है उसके लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं जो प्रेजेंट है उसमें हम शुक्र जिक्र, सज़दा और अपनी इम्कान कोशिश कर सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट बेहतरीन हो राइट तो बस यही बात है प्रेजेंटनेस की कंसिडर योर सेल्फ गिफ़्टड अगैन वो यही कहती हैं कि हर चीज़ को अपनी नहमत की तरह लो हर चीज़ में अल्लाह सब्हाना तौला का शुक्र अदा करो इस चीज़ को समझो कि अगर तुम्हारे पास ये लम्हा है तो ये तुम्हारे रब की नमत है और इससे इंतहाई खूबसूरती के साथ गुजारो वो कहती हैं कि जब मैंने अपना टाइम अपने बच्चों को देना शुरू किया तो मेरे बच्चों ने मुझसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करनी शुरू कर दी जब मैंने अपना टाइम अपने शोहर को देना शुरू किया तो मेरे शोहर ने भी मुझे अपना टाइम देना शुरू किया मतलब हर नेकी हर नेकी को खींच दिया राइट तो कि, 60 un, 60 seconds, 60 seconds, क्या होते हैं पता भी नहीं चलता राइट right? इवन 60 सेकंड्स ऑफ अनडिवाइड अटेंशन कैन हैवे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर बिहेवियर एंड एटमोसफियर इन योर होम टेक दीज इंटेंशनल फॉजे थ्रू आउट द डे

उसने अपनी बहन के बारे में लिखा था कि अगर मेरी बहन तुमसे मिलती तो तुम तुम्हें बहुत पसंद करती यानी कि बहन फौत हो चुकी है उसके बच्चे यंग थे और वो खातून जो कोई भी थी वो बहुत जल्दी अपने बच्चों से अलग हो गई थी आ, फौत हो गई थी तो इस चीज ने उनको झंझोड़ा कि मतलब जिंदगी कोई भरोसा नहीं है और भाई अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान एतकद है कि हर लम्हे को मतलब अपनी मौत को याद रखो और अपने मौत के सफर को याद रखो और कोशिश करो कि बेहतर जिंदगी गुजार सको तो वो कहती हैं कि लेट मी पुट इट इन दिस वे द सिट डाउन डिनर यू शेयर विद योर फैमिली लास्ट नाइट एंड द नाइट बिफोर एंड द नाइट बिफोर दैट दैट इज नाउ योर फैस्ट दिल्ली वेक अपन यू हैड विद योर चाइल्ड एवरी सिंगल मॉर्निंग सिंस ही स्मॉल वेदर यू फेल्ट लाइक इट और नॉट दिस इज नाउ योर फैस्ट The trip to the farmer's market. We can see the future. We can predict how all of the special nightly tuck in family traditions are going to add up, or can we? Recently, I felt as I was in a glimpse of my future, and this awareness profoundly changed me the way I regard my everyday routines. The glimpse came courtesy of the blog reader, the children much older than my own. Her story beautifully illustrates how minutes spent actively participating in a daily routine helped. <laughs> Long, long ago, my husband and I chose to live 50 minutes away from the city in which we work. This meant 110 minutes in the car with my daughter every single day throughout her school years it would have been easy for me to look at a tiresome and difficult and drive to school and to the church and all the civilization for that matter as dreaded inconvenience. convenient uff gaadi mein itni der so 110 minute gaadi mein guzarna aasan nahi hai and especially if traffic stuck ho to may allah help us ke thi usko shikayat karke shikwa karke roth ho ke wo time pe guzar sakti Main usko emails or messages. Karte bhi time thi, lekin main aisa Instead, I viewed the daily drive as my opportunity to connect and understand my daughter. While in the confines of my, of my vehicle, she is a captive audience for me, and I am for her. It is there that we share special talks, have meaningful uh, connections, private jokes and heart-to-heart -heart chats. Each time we ride together, I hear the important things of her day. आखिर में वो कहती हैं द टाइम स्पेंड द डिनर टेबल एड्सअप और ये सारी बातों से हम वाकिफ हैं ये बहुत नई बातें नहीं हैं सिर्फ हल्के फुल्के से रिमाइंडर हैं वो कहती हैं कि स्पीक वर्ड्स ऑफ लव हमारी लैंग्वेज हमारे जहन को बदलती है नरम लैंग्वेज मोहब्बत का इजहार और बार बार मोहब्बत का इजहार किसी बच्चे को बिगाड़ता नहीं है बाउंड्रीज तो अपनी जगह होती हैं लेकिन छोटे बच्चों को स्पेशली शुरू से ये कॉन्फिडेंस देना कि हमें आपसे प्यार है आप हमारे लिए अजीज हो हम आपसे मोहब्बत करते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट होता है ठीक है वन स्पोकन एंड रिपीटेड एवरी डे शी राइट दीज मैसेज अप द रेजिडेंस इन लिटल वन सोल्स ही और शी टू बिगे देर दे देगेन टू कैरी दीज मैसेजेस विद दैम They They learn learn how how to to see others. They learn how to love दे लर्न हाव टू सी लर्न हाउ टू लवसे हमारे भी आ, आ, सुना है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो और ये वो अपने रिश्तेदारोंल के बारे में नहीं कह रहे थे वो हजरत उमर रजी अल्लाह उनके साथ चल रहे थे और हजरत उमर रजी उनका उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था और आ, फेमस हदीस है तो बाकी सारी बात आ, को मैं पैराफेज नहीं करूँगी लेकिन एंड में हजूर वसलम कहते हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करो तो उसका हक है कि वो जाने कि आप उससे मोहब्बत करते हो चाहे वो मतलब कि आपके पेरेंट्स हो आपके बच्चे हो आपका हो तो हमें बताना चाहिए अपनी अपनी बातों से भी. अच्छा फाइव लैंग्वेजेस ऑफ लव भी करेंगे कभी फाइव लैंग्वेजेस ऑफ लव ऑफ योर चिल्ड्रन आई थिंक आई शुड डू दैट बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड बुक जो इनिशियल बुक आई थी ना वो फाइव लैंग्वेज ऑफ लव थी इट वॉज जस्ट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए लेकिन दिस um, वन Oh, five languages of love with your children is also really good. Inshallah, I will I will remember to do this in the uh, to bring this book into the group. And may again, whoopni poem. Bolti hai, uh, present present roho. Acha reflection questions. Do you put off spending time with loved ones or delay doing things you enjoy until certain duties are complete so that you have more time? Does that ideal moment ever? arrive what daily or weekly rituals are special to your family how do you make feel connected to the sacred parts of your life what action will you take this week to protect these rituals or begin new ones next chapter chapter number five it talks about pause serenity <laughs> पूरी अगर मैं आपको अगर <laughs> पूरे चैप्टर का अगर मैं आपको uh, जस्ट दे दूं तो वो यही है कि जल्दी मत करें हर चीज को जल्दी 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 निपटाने की कोशिश मत करें हैव अ डू नथिंग मोमेंट कर्नल टूगेदर टेक अ वॉक प्लेस योर ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ अ लव्ड वन एंड लिसन टू हिज और हर हार्ट बीट सिट आउटसाइड एंड ऑब्जर्व नेचर वॉच योर चाइल्ड प्ले उन्होंने पूछा कहती हैं कि पॉज पॉज के पौस के टॉपिक पे वो कहती हैं कि मैंने अपने आप से एक दिन पूछा कि वर्स्ट अ स्पीडिंग टिकट ये तो बहुत ही अहम है स्पेशली हम माओ के लिए जो ड्राइव करती हैं और जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चे को ड्रॉप करना होता है या पिक करना होता है और हम एंड टाइम पे निकल रहे होते हैं चीखम लगी होती है कोई बात नहीं अगर लेट हो गए तो बात पूरी पंक्चुअलिटी पर आ जाती है और पहले से प्रिपरेशन पर आ जाती है वो सारी चीजें हैं लेकिन लाइफ है अगर आप आदतन लेट नहीं हो रहे लेकिन किसी वजह से लेट हो गए हो इट्स ओके बात नहीं है i told myself that being off a schedule is a blessing that perhaps there is an accident i'm avoiding right now because i'm running late this helped me slow down and feel comfortable with the fact that maybe the little late was exactly what i was supposed to be so but Allah, allah allahu akbar kitni hamara din kya kya a momin ki agar khushi alhamdulillah मुझे मुझे आसानी आसाइश और खुशी मिली और अगर मुझे तकलीफ पहुंचे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कि शायद मैं इससे बड़ी तकलीफ से बच गया एग्जैक्टली exactly यही बात इस खातून ने लिखी है कि मैं अगर लेट हो ही गई हूं कहीं पे तो मैं ये भी तो सोच सकती हूँ कि अगर मैं जल्दी में जा रही होती तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता मेरा कोई ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता छोटे छोटे नुकसानों को शुक्र के तौर पर ले लिया करें कि पता नहीं शायद किसी कोई बड़ी नुकसान कोई बड़ा नुकसान कोई बड़ी बला टल गई आई लव इट आई लव इट बिकॉज ये हम बुक्स uh, uh, पढ़ते हैं एक तो हमारा अलमिया ये है कि मुझे एटलीस्ट मैं अपनी बात करूंगी मुझे नहीं पता आपका लेकिन मुझे ज़्यादा उर्दू ऑथर्स का पता नहीं है मेरी उर्दू बहुत ज्यादा स्ट्रॉग नहीं है मतलब कि बहुत सारे मुश्किल अल्फाज मुझे अभी भी नहीं समझ आते और उसकी वजह ये नहीं कि मैंने उर्दू सीखी नहीं है मैंने ट्वेल्थ uh, ग्रेड तक उर्दू पढ़ी है मैंने सयाको सबाक और समरीज और uh, uh, शेर व शायरी जो हमारी मीर तकी मीर और उन सब की थी वो सारी हमने पढ़ी है मुझे इस वक्त पता नहीं क्यों नाम एकदम से भूल गया वो हम क्या लिखते होते थे अपने उर्दू के सिलेबस में हमारा इतना सारा काम होता था खैर अब इस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा <laughs> लेकिन उस चीज़ को काफी टाइम गुजर गया बीस साल से ऊपर तो हो गया है राइट तो वो एक तो वो कनेक्शन ख़त्म हो गया एक हमारे हमारे अंदर ये डेवलप नहीं हुआ था कि उर्दू अदब पढ़ना है उर्दू किताबें पढ़नी हैं वो शौक नहीं डेवलप हुआ था इंग्लिश 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 का जोर था ना इंग्लिश के रहे तो ना उर्दू के रहे बस पता नहीं बीच में कुछ बन गया हमारा तो मैं जब ये सारी किताबें पढ़ती हूँ ना ये सेल्फ हेल्प बुक्स ये बच्चों के बारे में किताबें ये ये कोई बहुत बड़े कोई स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स या पी डिग्री होल्डर्स नहीं हैं और अगर आप किसी पीएचडी डिग्री होल्डर की भी वेस्टर्न स्कॉलर की किताब पढ़ के उठाओगे ना तो आप देखोगे कि एक ही पैटर्न है सारी किताबों का एक ही पैटर्न है जो हमारी सुनना से बहुत करीब है बल्कि एक्चुअली कभी कभी तो ये लगता है कि इन्होंने शायद दीनिया की किताब उठाई है और उसमें से चीजें लिख ली हैं हदीसें उठाई हैं और वो लिख ली हैं इतना खूबसूरत है हमारा दीन अगर हम जाने और समझें क्या ना मैं ये चाह रही हूँ कि ये कोई अच्छा बातें नहीं है मुझे हंड्रेड परसेंट पता है कि आप जो मुझे टाइम दे रहे हो और आप जो ये बातें सुन रहे हो वो सिर्फ रिट्रेशन है उन चीजों की जो आप ऑलरेडी जानते हो ये इनमें से कितनी को बातें हमारे पास नहीं थी हाँ ये जरूर हो सकता है कि ये जो रिफ्लेक्शन क्वेश्चन हैं ये मैंने ना सोचे हूं पहले बंदा जब किसी ट्रैक पे नहीं चल रहा होता और फिर जब उसको नया ट्रैक मिलता है तो सोच नहीं आती है ना तो न्यू सोच हो सकती है पर न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है कोई भी इसमें से कॉन्सेप्ट नया नहीं, नहीं है एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता ये सारी बातें मेरे ख्याल से एज मदर जी हम सब जानती हैं बस अपनी अपनी लाइफ में या अपनी अपनी इंसान हैं भूल जाते हैं मिसगैडेड um, हो जाते हैं फंस जाते हैं अपनी ही क्रिएटेड वर्ल्ड में फिर एंड में अगेन In what ways do you daily pace interface with your ability to sit, relax, and be available to the ones you love? What are some of the positive effects of taking time each day to relax or engage in a leisure activity by yourself or with your family member? Is it difficult for loved ones to get and maintain your undivided attention when they talk to you? Name one practice you plan to implement that will allow you to be more available for meaningful conversations. अगर मुझे कोई एक मैसेज आ जाए कि मुझे कितने मिनट हो गए हैं बोलते हुए मैं चैप्टर um, सिक्स अगर मैं जल्दी से ग्लास ओवर कर लूँ ताकि फिर हम हमारी आधी बुक हो जाएगी और इधर मैं फिर एंड करना चाहूँगी कैन आई एनीथिंग ब्रेक भी ले लेते मुझे पानी पीना बट जस्ट वन मोर चैप्टर आई थिंक वीर गुड टू गो I'll just go because my Facebook doesn't show me anything. Uh, see life through undistracted eyes. Clarity. Now, chapter number six hai, clarity. I'll repeat chapters we Number one, kya tha? Awareness. Number two, kya tha? Connectedness. Yes. Number three, deliberateness. Number four, presentness. Number five, serenity. आस्तगी खामोशी अपनी भगदड़ को खत्म करना पीसफुल पीसफुल इंटेंशनली मोमेंट में होना ठीक है ना आर यू अवेलेबल वेटिंग जॉयफुली और नंबर सिक्स जो हम अभी कर रहे हैं वो है क्लैरिटी ठीक बेटर देन स्लीप द पेपर्स टू हार्ट एंड इफ इट यू लेट्स डू क्लैरिटी बेटी स्मिथ का उन्होंने कोट यहां पर लिखा है लुक एट एवरीथिंग एज इफ यू आर सींग इट ईदर फॉर द फर्स्ट और द लास्ट टाइम देन योर टाइम ऑन अर्थ Will be filled with glory. कुछ लोगों के लिए चलेगा लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं चलेगा क्योंकि हर इंसान की थोड़ी सी फितरत डिफरेंट होती है राइट कोड्स के बारे में एक चीज जरूर याद रखें कि क्रिटिकली सोचा करें हर चीज को बहुत ज्यादा ना सोचें लेकिन यहाँ पे एकदम से पता नहीं क्यों मुझे ख्याल आया कि उसने कहा कि बेटी कह रही है यहाँ पे कोई राइटर होंगी वो कह रही है कि हर चीज को ऐसे देखो जैसे कि आप उसको पहली दफा देख रहे हो तो फिर तो खुशी होती है लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप इसको आखिरी दफा देख रहे हो तो फिर मेरे ख्याल से हमारा माइंड कहीं और चला जाएगा इसलिए गौर से देखो और अल्लाह को याद करो मेरे ख्याल से ये बेटर है ठीक लिविंग डिस्ट्रेक्टेड गेव टनल विजन आई वुज सो फोकस्ड ऑन वट वॉज नेक्स्ट अचीविंग माई नेक्स्ट गोल मीटिंग माई नेक्स्ट डेडलाइन रीचिंग द डेस्टिनेशन दैट आई मिस द ब्यूटिफुल साइट्स एंड सैंड अलॉन्ग द वे everything i did involved a master plan and i viewed anything that threatened the plan as an annoyance or inconvenience We all know this <laughs> xyz kaam karna hai us kaam hame bacche ko potty training karani pad jaye annoyance या फीडर बनाना पड़ जाए या बच्चा बुक लेकर आ जाए कि बस मुझे ये बुक अभी पढ़ के दो या कोई इस तरह का कोई काम या तो मेरे मेरी मेरे केस में मैं अगर कोई काम फटाफट भाग के कर रही हूँ और मुझे आवाज़ आ जाए मेरे शोर की इराम ओ हो 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 फिर तो इराम की हालत होती है देखने वाली <laughs> मैं ये कर रही थी मुझे क्यों बुलाया <laughs> और मजे की बात है अक्सर पता क्यों बुलाया जाता है ये देखो मैंने ये जोक पड़ा है बहुत मजे का सुन लो कितनी खूबसूरत बात है कि कोई अपनी हंसी अपना मजा अपना वक्त जो उसने महसूस किया खूबसूरत वो मेरे साथ शेयर करना चाहता है चाहे वो मेरा शौर है चाहे वो मेरी औलाद है लेकिन मैं काम कर रही हूं मुझे काम से क्यों रोका काम के दरमियान मेरे खलल क्यों डाला काम मैं कर किसके लिए कर इन्हीं के लिए रही हूँ तो फिर मैं कौन सा कोई पहाड़ खोद रही हूँ कौन सा मैं कोई एहसान कर रही हूँ तो बा, सारी बातों की बात ये क्लैरिटी रखें फोकस रखें पहले रब फिर बाकी सब और बाकी सब में फिर आपके अहलो आयाल पहले और फिर उसके बाद मैं और आप राइट right? um, मैं और आप मैंने इसलिए कहा सोशल मीडिया की बात कर रही हूं मैम अगेन उन्होंने अपनी लाइफ की बड़ी अच्छी सी एक स्टोरी सुनाई एक ही। दी आइडेंटिफाई योर हैंड्स फ्री एनिमीज The more steps I took on my journey, the more I realized the simple truth. It is in the times I least want to be hands-free that I most need to be hands-free. I began to take notice of the times when I most rebelled against my being hands-free. A major factor in my willingness to let go and live was whether or not I had enough sleep. Sleep deficiency led me to, imp to be impatient and grouchy. to 0-6 months. नाइन मंथस तक ले लो मैं उनसे तो ये बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल वक्त होता है बच्चे को सोने की जरूरत होती है उठने की जरूरत होती है ना बच्चे के साथ सोते हैं और बच्चे के साथ उठते हैं और जो माएँ बच्चों के साथ सोती हैं और बच्चों के साथ उठती हैं मेरे ख्याल से वो बेहतर फंक्शन करती हैं नस्बता उन माओं के जो बच्चों को सुलाने से पहले भी जाग रही होती हैं बच्चों को सुलाने के बाद भी जाग रही होती हैं और ये बहुत बड़ा धोखा है सारे यंग बच्चों की माए सुन लें प्लीज अगर आपके बेबीज हैं छोटे और आपको ये लगता है कि जब बेबी सो जाता है या टॉटलर सो जाता है तो उसके बाद आपको आपका मी टाइम चाहिए तो आई हंड्रेड परसेंट हेल यू दैट मी टाइम इज गोइंग टू बिकम आई एम गोइंग टू येल ऑन माई चाइल्ड टाइम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे बिकॉज यू डिड नॉट स्लीप सो गेट योर स्लीप एवरी ह्यूमन बींग्स नीड स्लीप ये अल्लाह की बहुत बड़ी नमत है हमारे ऊपर um, कि हम सोते हैं ताकि हम बेटर फंक्शन कर चुके हैं प्लीज खुदा अपने आप को मी टाइम में बर्बाद और गारत मत करें क्योंकि वो सारा जो ग्राउचीनेस है वो सारा उस मासूम नन्नी सी जान जिसको समझ भी नहीं है हम फिर उस पर निकालना शुरू कर देते हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ मैंने किया और मैंने बड़ा रिग्रेट किया और मैंने अल्लाह अस अस मिस्टेक्स एंड मेक बेटर पीपल तो वो ये कह रही है कि uh, once i figured this out i immediately stopped staying up late or write or do research on my computer social media i arranged my schedule so i could get at least seven to eight hours of sleep a night within a week my mood improved greatly i was more patient loving and calm with a good night's sleep being hands-free came more naturally to me identify the times in your life when you just rebel against your going hands-free attempt to find out ways that you can reduce it Take 10 minutes to show and tell. Again, same thing. Create moments that matter. List. Whenever I found myself getting upset over life's little annoyances, I thought about those who are truly suffering. those who could only wish their problems were as, as insignificant as mine offering myself with the awareness quickly put out my minor problems into perspective <laughs> क्या सिखा रही हैं ये सिखा रही हैं कि अपने से नीचे वालों को देखकर शुक्र करना सीखो कोई नई बात तो नहीं है ये तो हम जानते हैं ना बस इंग्लिश में लिखी हुई है <laughs> लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कितनी अच्छी बात की है इन्होंने कि जिंदगी में हर चीज एनॉय कर सकती है अगर हम उसको अपने ऊपर हावी कर लें हर रिश्ता एनॉय कर सकता है अगर हम उसका शुक्र ना अगर हम उसकी इंपॉर्टेंस को ना समझें उसको निभाना ना आता हो हमारे टूल्स ना पता हो और हम नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें फिर वो कहती है परचेस अ स्मॉल बुक एंड टेक अ स्टार्ट एंड राइट इट डाउन मोमेंट्स दैट मैटर लिस्ट कीप द नोटबुक हैंडी इन योर पर्स और ब्रीफ केस और ऑन योर वेडसाइट और इन योर ड्रॉय By making a hands free the practice of your life, you have the undoubtedly already gained unaccountable moments uncountable moments that would have been missed had you continued with that distractive life. Take care journal journaling. अगर आपको एंग्जाइटी है तो वो कहते हैं जर्नल रखो अगर आपको डिप्रेशन है तो वो कहते हैं जर्नल रखो अगर आप खुश हैं तो वो कहते हैं आप जर्नल रखो अगर आप जिंदगी में कोई चेंज लेना लेकर आना चाहते हैं चाहे वो आपकी डाइट का ही चेंज है इवन डाइटेशन कहते हैं कि लिखो 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 लिखो, लिखो। अम, मेरा ख्याल है कि जब हम छोटे बच्चों को ये मैं आप लोगों के साथ अभी पहली दफे डिस्कस कर रही करी क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ मुझे ये ये जो हम अपने बच्चों को दो या तीन साल की माए लिखती हैं मुझे ट्रेसिंग शीट्स दे दें दे और मुझे ये दे दें दे, वो जरूरी है मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मैंने मतलब कि वो एक इम्पोर्टेंस है, है लेकिन अगर हम हमारे बच्चे जब लिखना शुरू कर दें हम और हमारे बच्चे अगर पांच मिनट रोज निकाल लें जर्नलिंग करने के लिए जहां पे मैं अपने जर्नल में कुछ लिख रही हूँ कि मैं मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूं या मुझे ये ये सारे मेरे काम करने वाले हैं या मेरे लिए मेरे बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं या मेरा रब कितना इंपॉर्टेंट है या मैं अपने रब से कोई बात कर रही हूँ और मेरे बच्चे मुझे देखे हैं करते हैं और मेरे बच्चे अपने जर्नल में चीजें लिखे अच्छा मैंने मेरे ख्याल से वो पार्ट्स रीड नहीं किए इन्होंने बेसिकली पता क्या किया था इन्होंने अपनी बच्चों को जर्नल दिए थे और उनकी बच्चियों ने उसके अंदर चीजें लिखी थी अपनी माँ को लेटर्स लिखे हुए थे खैर कमिंग बैक टू द द पॉइंट पॉइंट इज़ जब हम अपने बच्चों को लिखना सिखाते हैं ना तो बजाय हम उसके हम उनको अननेसेसरी टॉपिक्स दें लिखने के लिए अगर हम उन्हें उनकी दिल की बात लिखना सिखा दें तो मेरे ख्याल से दो चीज़ें होंगी एक तो वो अपने आप से जरा ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे और दूसरा आप भी जान सकेंगे कि मतलब के बच्चा क्या सोचता है किस तरह से सोचता है लेकिन उनको मेरे अपनी जात से कनेक्टेड रहना होगा और अपने आप को एक्सप्रेस करना बेहतर आएगा और बहुत सारी चीजें हम कह नहीं पाते शायद हम लिख पाए और अच्छे तरीके से लिख पाए और शायद हमारे बहुत सारे मुश्किल मुश्किलें हैं हमारी जो सोचे हैं वो आसान हो जाए आखिर की बात ठीक है आखिर की बात करते हैं क्लैरिटी का मतलब है नोटिस द गुड यानी कि जो आपकी जिंदगी में छोटी 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 खुशियां हैं उन पर गौर करें टू सी द हाई मार्क्स ऑन द रिपोर्ट कार्ड बिफोर आई सी द लो वंस ये अगेन मैंने आपको बताया हर चैप्टर के एंड एक छोटी सी फोम लिखती है ये वाली अच्छी है इसलिए मैं ये पढ़ी रिफ्लेक्शन क्वेश्चन करूंगा डन clarity notice the good to see the high marks on the report card before i see the low ones to see her beautiful swimming form before i notice the place she comes in to see she dressed herself before i notice the winter boots and tank top combination to see she made her own breakfast before i notice the cereals against, scattered against the counter to see the artistic flair in her creation before i notice the mess to see her love for music before i notice the out-of-tune notes to see the effort and the attempt before I see the mistakes and shortcomings, to see the beauty and goodness before I see the flaws and imperfections, to see the opportunities before I notice the inconveniences, to see the promises of each day before I notice the challenges. This is how I want to live to notice the good, always the good, before anything else and above all else. Good. Ache. गौर करें नेगेटिविटी को अपनी लैंग्वेज से निकालें बोलने से पहले सोचें ज़रूरी है पहले बुराई को पहले किसी गलत काम को नोटिस कराना फिर बाद में कहना नहीं नहीं अच्छा भी बहुत है अच्छा भी बहुत है ये जो नहीं नहीं अच्छा भी बहुत है यहाँ से हम क्यों नहीं शुरू करते कितना अच्छा है और फिर उसके बाद फिर मेरा नहीं ख्याल के जरूरत रहती है बताने की कि गलत क्या है और जिस थोड़ी बहुत ही मार्जिन रखना चाहिए इग्नोर करने का Reflection questions. It is in the times I least want to be hands-free the most I need to नीट ये नहीं हां उन्होंने बेसिकली ये लिखा है ये बात लिखो कि कौन से टाइम्स ऐसे हैं जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि आपके हाथ फोन से या किसी डिस्ट्रैक्शन से खाली हों वो कौन से मोमेंट्स हैं और दर टास्क विद इन योर चिल्ड्रंस डेली रूटीन Such as bedtime, homework, meal preparation, or carpool that you currently view as an inconvenience that might actually be the opportunity to connect? How might you change your perspective to see the hidden gifts in the midst of the monotony of trying times? When you find yourself becoming agitated over minor inconveniences or tri trivial annoyances. What might you think about or say to yourself to keep things in proper perspective? I think we all know the answer of this. It's always good to reflect. Jazakallahu khair. Thank you so much for your time. Alhamdulillah, we come to our um, end of six chapters. It's basically 12 chapters. The next six will be in the next live, inshallah. And let's see, maybe we can do a live uh, sooner. Take care. Assalamu alaikum.